So तो कॉम्बिनेशन करके मैंने ये लुक क्रिएट किया देखो अभी मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं एक तो दिस इज बिकॉज मैंगो क्योंकि मैंगो आ गए सीजन में एंड आई जस्ट लव मैंगो मैं रुकी नहीं पाती हूँ एंड मैं एक मैंगो की स्लाइस भी खा लेती जो है तो मुझे एक्ने हो जाते हैं एंड आप पूछो मत मैंने कितने सारे मैंगो खा चुकी हूँ अभी तक तो वो मेरे फेस के ऊपर ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने नहीं है तो उसको आप बिल्कुल कम प्रोडक्ट्स के साथ कैसे हाइड कर सकते हो ताकि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी सा और केकी सा ना लगे क्योंकि ऑफकोर्स समर्स में हमको बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेस पे चाहिए भी नहीं होते सो ओके विदाउट एनी फर्दर डू गेट स्टार्टेड गाइज जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किया ना वो मैंने अमेजोन से करे हैं तो उनका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अमेजॉन के ऊपर ना बहुत ही बढ़िया से डिस्काउंट्स मिल जाते हैं तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर प्रोडक्ट एमेजोन पे मिल रहा है ना तो मैं वहीं से ही लूँ क्योंकि तो चाहे सेल हो चाहे नहीं हो अमेजो डिस्काउंट मिल ही जाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ के साथ मैं आपको प्राइसेस भी बताती जाऊंगी जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती जाऊंगी ओके फटाफट से मेकअप को शुरू करते हैं अमेर मॉइस्चराइज माई फेस जस्ट मैंने अभी अपने फेस को वॉश किया है मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था ऑब्वियसली यू नो मैं कॉल

जिसकी वजह से फेस लाइट वेट लगता है ना ये देखो मेरा फेस अभी कितना ज़्यादा रेड हो गया है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड ऑफ कोर्स मैंगो खा के तो और ज़्यादा एक्ने हो गया है तो मैं क्या ही करूँ अपनी स्किन का मुझे समझ में नहीं आता मुझे तो ग्लोई स्किन ड्यूई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है सो आई एम गोना यूज दिस मेबलिन फिट मी का ड्यूई प्राइमर इट विल एड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ग्लो बड़ा ज़्यादा ना स्किन में अंदर से ग्लो दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी लगता है एंड सुंदर भी लगता है सो यू सी स्किन में कितना प्यारा सा ग्लो प्रोवाइड कर देता है नाउ टू फिल इन माई पोर्स एम मैंने यूज़ दिस स्वेट एंड वाइल का इम्पॉसिबल प्राइमर डिसेंटली फ़िल कर ही देता है इससे बेटर काफ़ी ज़्यादा प्राइमर्स हैं अवेलेबल मार्केट में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो um, ये वाला ओके ओके टाइप्स ही है अब uh, मैंने ले ही लिया तो यूज़ तो करना ही है तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ बट ऑफ कोर्स यू कैन स्किप दिस प्राइमर और इसकी जगह पे आप पैक पोर फिलिंग प्राइमर भी ले सकते हो शुगर का प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है पोर वाला तो ये वाला ठीक ठीक है ओके ना मैन अप्लाई माई कंसीलर ताकि ये जो मेरे एक्ने है अंडर आई सर्कल्स हैं और यहाँ पे पिगमेंटेशन है वो मैं हाइड कर पाऊँ एम मैन यूज दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड आप देख ही सकते हो आज मेरे अंडर आई सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं दैट इज़ बिकॉज यू कैन सी माई मेहंदी माई बेस्ट फ्रेंड जस्ट गॉट मैरिड एंड उसके फंक्शन्स में लाइक like, दिन रात दिन रात वहीं पर ही थी मैं एंड अफकोर्स शी इज माई बेस्ट फ्रेंड तो आई वॉज वेरी बिजी देर तो मैं स्लीप वगैरह मेरा सारा साइकिल जो भी है ना वो हिल डुल सा गया सो भी नहीं पाई मैं एंड मेकअप भी तो सारा करना पड़ा था तो फिर एक्ने के ऊपर मेकअप करो तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिगर हो गया मेरे आँखने और ज़्यादा इफ द टाइमिंग तो मैं इस कंसीलर से इसको हाइड करी बट आई गोना फिक्स माई एक्ने और होपफुल ये ठीक हो जाए जल्दी जल्दी एंड आपने मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखी एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि वो कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है एंड अगर आपने मुझे नहीं किया वो इंस्टाग्राम पे फॉलो तो मेक श्योर आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो करना और लाइट नाउ ब्लेंड इट ऑल आउट विद दिस पैक कंसीलर और डैब डैब करके अच्छे से लाइक like, सब कुछ ब्लेंट आउट कर देंगे एंड देन आप देखना फेस कितना ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा अभी मैंने बहुत सारा कंसीलर नहीं अपलाई किया इवन दो सारी इनपरफेक्शन पर अच्छे से अप्लाई किया है बट बहुत ही थिन लेयर एंड डैब डैब करके ब्लेंड करूंगी ना तो काफी कम प्रोडक्ट यूज होगा एंड आई जस्ट लव दिस पार्ट जब भी मैं अंडराइज के ऊपर अपना कंसीलर ब्लेंड करती हूँ ना फेस एकदम डिफरेंट ही हो जाता है ऐसा लगता है ये कोई और बंदा है और ये कोई और बंदा है बट बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप सा हो जाता है सो यू सी फेस अभी से ही कितना ज़्यादा फ्लॉलिस लग रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट ना मैंने बहुत ज़्यादा लाइट लेयर ऑफ कंसीलर अप्लाई किया है बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है बहुत पतलीसी से लेयर अप्लाई करी ब्लेंड आउट किया एंड यू सी कवरेज अच्छी मिल रही है सो आई एम गोना अप्लाई माय फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मैं ये मैक का फाउंडेशन ले रही हूँ दिस इज इन द शेड एन सी फिफ्टीन एंड अच्छे से पहले शेक कर लेते हैं ओनली थिंग इज के इसके साथ ना पंप नहीं आता एंड पंप के लिए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा तो मैंने तो नहीं पे ये टू बी ऑन वैली इज तो एक्सपेंसिव फाउंडेशन है फालतू में पंप क्या करना लेके थोड़ा सा आई एम गोना टेक दिस अच्छे से वी गोना ब्लेंड इट ऑल आउट और यू गाइस तो मैं ऐसे ऐसे क्यों करती हूँ ताकि फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाए एंड अच्छे से फेस के ऊपर लाइक ग्लाइड हो जाए ब्लेंड अच्छे से हो सो so, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे और कवरेज चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हूँ एंड बच्चा कुछ और नेक के ऊपर तो पहले ना मैं ऐसे स्टिपिंग ब्रश ब्रशे सेडेप कर रही हूँ सो दैट प्रोडक्ट ना इवनली फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाए जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया एंड देन जस्ट गोना ना ब्लेंडेड इन लाइट सर्कुलर मोशन अगर मैं लाइक हार्डली करूँगी ना तो मेरा बेस लाइक like, जो कंसीलर वगैरह अप्लाई किया ना वो हट जाएगा तो so, बहुत ही हल्के हाथों से जिस गो ना लाइटली ब्लेंडेड आउट तो स्प्लिंग ब्रश लिक्विड फाउंडेशन अब बड़ा ही प्यारे तरीके से ब्लेंट आउट होता है इसलिए आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ एंड टू बी ऑनर जो मेरा फाउंडेशन ब्रश है वो गंदा भी है वो मैंने धोया नहीं है इसलिए आई डोंट वांट टू यूज दैट चलो एनी वे आई गोना हाईलाइट माई फेस बहुत ही हल्के लाइक हल्के हाथों से बहुत ही थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे फेस पे लेट मी ग्रैब मैन मिरर एंड सैडली मिरर जो मिरर है ना ऐसे हैंड मिरर होता है वो टूट गया है एंड आई एम सो सैड तो अभी मैं ये ऐसे आई शाडो पैलेट का मिरर यूज़ कर रही हूँ मेरा इतना प्यारा सा मिरर था लाइक प्यारा तो नहीं पुराना सही हो गया था बट आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी था बट कोई बात नहीं आई थिंक हल्का हल्का बोल के मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसीलर लगा लिया है अच्छे से बेल्ड आउट कर लेते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से सो so दैट जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो लिफ्ट हो जाए क्योंकि ना हाइलाइटिंग में बहुत ज्यादा कंसीलर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कवरेज तो ऑलरेडी हमें मिल ही गई है जस्ट एक वो लाइट शेड का जो एक इफेक्ट होता है ना वो अच्छा लगता है एंड मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पे भी सेम यही प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपना बेस मेकअप किया था एंड वो फेरों के टाइम तक लाइक जब तक मैं घर नहीं आई थी ना तब तक चला था था वो सारी रात बहुत सही था मेरा बेस तो उसका ट्यूटोरियल भी, भी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ आजकल ये मेरा पर्व बिल्कुल फेवरेट बन चुका है एंड आई एम गोना टेक दिस मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर दिस इज मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर जिसका नाम मिट चुका है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ यू कैन सी आई जस्ट हिट द पैन ऑन दिस पाउडर क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है इसमें बहुत अच्छी कवरेज भी है सो इफ यू डोंट वांट टू यूज एनीथिंग ऑन योर फेस जस्ट मॉइस्चराइजर लगाओ हल्का सा ये पाउडर लगा लो एवरीडे के लिए तो बहुत ही सही रहता है विदाउट एनी प्रोडक्ट जो भी पफ के ऊपर लेफ्ट हो रहा है ना आई एम जस्ट गोना डू दिस ताकि मेरा बाकी का फेस भी सेट हो जाए मैंने बहुत ज्यादा लाइट लेयर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ किया स्टिल मेरा फेस अभी कितना ज्यादा फुल कवरेज हो गया है एकदम अच्छी सी कवरेज आ गई है फेस के ऊपर एंड जैसा पहले लग रहा था वैसे तो अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्विकली गोना फिल इन माइ आई एंड आई बी राइट बैक टू डू माई मेकअप ओके यू गाइस मैंने आईब्रोज भी फिल कर ली एंड ये वाली आई को भी कंप्लीट कर लिया अभी तो ऐसे देखोगे तो, तो बहुत ही वेयर लगेगा बट ऐसे देखो तो बहुत ज्यादा स्टर्निंग सा लग रहा है क्वाइट लाइकिंग दिस स्मोकी ग्लिटरी लुक बड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है लेट्स क्रिएट ऑन दिस आई एज वेल सो फर्स्ट ऑफ आई का टेक दिस पीच टोन कलर काइंड ऑफ टोन पीच कलर है ये एंड इसको मैं अपनी इंटायर आईलेट के ऊपर अप्लाई करूंगी सो इंटायर आईलेट के ऊपर अप्लाई करते करते आई एम हम कॉन्सेंट्रेटेड मोर टूवर्ड्स लाइक माई आउटर कॉर्नर एंड अंदर की तरफ से हम थिन इट आउट तो यहाँ पे काइंड ऑफ हम एक विंग बना रहे हैं बट मोटा सा विंग आई एम टेकिंग दिस एंगुलर फ्लफी ब्रश और इसके ऊपर मैं ये लाइट ब्राउन कलर लूंगी एंड जो मैंने पीच कलर अप्लाई किया है उसके नीचे सेम शेप में इसको अप्लाई करूंगी सो जस्ट पीच कलर को फॉलो करते हुए मैं इसको अप्लाई करूंगी बट आई एम गोना गिव इट अ विंग ऑल्सो इनर कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा पतला एंड आउटर की तरफ से इसे थिक होता जाएगा नाउ आई एम टेकिंग वेरी वेरी टाइनी एंगुलर ब्रश और इसके ऊपर मैं ये डार्केस्ट ब्राउन कलर कॉर्नर वाला ये लूंगी एंड इसकी हेल्प से आई एम जस्ट का ना ड्रॉ विंग आई लाइनर वेरी क्लोज टू माई लैस लाइन सो डार्क ब्राउन कलर को लेके आप देखो मैंने जस्ट एक लाइनर की तरह इसको ड्रॉ कर लिया एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे हल्की सी विंग भी बनाऊंगी इससे एंड ना फ्लफी ब्रश से ना कहना ब्लेंडेड आउट हल्का सा मैं इस लाइनर को स्मज आउट कर रही हूँ तो इससे बहुत ही सुंदर सा एक डेप्थ आता है आई लाइनर ना बड़ा प्यारा सा लगता है जब स्मज जाता है मैं इन साइड का काजल ले रही हूँ एंड अच्छे से मैं अपर एंड लोअर दोनों पे लगा लूंगी एंड ऑन माय लोअर लास्ट टाइम में थोड़ा सा थिक काजल लगा रही हूँ एंड डार्क ब्राउन कलर और एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको हम स्मज आउट कर लेंगे एंड ग्लिटर के लिए आई एम टेकिंग यूरोप गर्ल ग्लिटर पैलेट और इसमें से ना मैं ये वाइट ग्लिटर ले रही हूँ ये एक्चुअली वाइट नहीं है ये ऐसे ग्रीन कलर का इरेडिसेंसी शाइन करता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड फिंगर की हेल्प से ही जो उसको ना टैपेड ऑन माई आईलेट और इसको ना मैं इंटायर आईलेट के ऊपर नहीं अप्लाई करूंगी जस्ट अपने सेंटर आईलेट के ऊपर अच्छा इसे रैंडमली प्लेस कर देंगे एंड यू सी ए कितनी प्यारी शाइन करता है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर दोबारा लेके आई एम गोना इंटेंसीफाई माई आउटर कॉर्नर वहाँ पे हल्की सी और डेप्थ दे रहे हैं ना मेरी अपनी आई लैशेज और फेक आई लैशेज में एक ब्लेंड देने के लिए आई एम गोना अप्लाई माई मस्कारा ताकि दोनों ना अच्छे से इसे जुड़ जाए एंड आई एम यूजिंग दिस मेवलिन का कलरसुल मस्कारा दिस इज़ रियली नाइस इफ़ यू वॉन्ट समथिंग फॉर एवरीडे बेसिस और इसको मैंने लोअर लैश पर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है आई एम टेकिंग द शुगर कॉन्टो द फोर्स पैलेट और इसमें से कॉन्टोर शेड को लेकर आई एम जस्ट क्विंग टू कॉन्टोर माई फेस एंड गिव अ नाइस स्ट्रक्चर क्योंकि कॉन्टोलिंग लाइक like हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ऑल्सो लिफ्ट यूर फेस विद जिसकी वजह से अगर लाइक आप थोड़े से एज है जो आपका फेस ढलक चुका है थोड़ा सा ड्रूपी हो चुका है सो यू कैन ऑल्सो गिव अ नाइस फेस लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्टोर एम अगर कॉन्टोर माई जॉ नाओ ताकि फेस स्लिम लगे एंड अच्छी सी मस्त क्रिस्प लगे मेरी जॉ लाइन आई डोंट लाइक टू कॉन्टो माई फॉर हेड क्योंकि मेरा फॉरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बिल्कुल लाइक परफेक्ट ही है बट जस्ट टू मैरी एवरीथिंग टूगेदर आई एम जस्ट कन आप वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन माई ब्रश ऑन माई फॉरहेड तो उससे सब कुछ आपस में मर्ज हो जाएगा लाइक ब्लेंडेड लगेगा

बट बहुत ज़्यादा से पीच टोन्स पिंक टोन्स ऐसे मुझे ऐड नहीं करने थे तो इसलिए आई एम अप्लाइंग दिस एंड बिफोर अपलाइंग माई हाईलाइटर अप्लाई दिस मैक का फिक्स प्लस टू सेट माई बेस मेकअप सेटिंग स्प्रे मेरे फेस के ऊपर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है बट हल्का सा गीला है तो फटाफट से मैं अपना हाईलाइट अप्लाई कर लेती हूँ जब भी आप ऐसे लाइक सेटिंग स्प्रे के ऊपर हाईलाइट अप्लाई करते हो ना तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली शाइन करता है सो so, हाईलाइटर के लिए मैं ये मैक्स सॉफ्ट एंड जेंटल ले रही हूँ दिस इज माई फेवरेट हाईलाइटर अगर आपको एक अच्छा हाईलाइटर में इन्वेस्ट करना है ना एंड यू डोंट नो कि कौन सा परचेज करूँ तो आप डेफिनेटली ये वाला जरूर ट्राई आउट करना यू कैन सी इतना प्यारा लगता है ना फेस के ऊपर ऑल्सो द गुड थिंग कि सारी स्किन टोन्स पे कॉम्प्लीमेंट करता है क्योंकि शेड बहुत ही अच्छा है इसका सो so, मैंने चिन पे टिप एन ब्रिज ऑफ नोज फॉरहेड के ऊपर भी अच्छे से हाईलाइटर को अप्लाई कर लेंगे आई एम जस्ट वन आ ब्लैंड हाईलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छे से इन टू माई स्किन सो दैट व नेचुरल नेचुरल तो नहीं वाला ऐसा ना हो कि स्किन के ऊपर बैठा हुआ है अच्छे से ब्लेंडेड लगे एंड ग्लोई तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा ग्लोई लग रहा है मेरा फेस अभी नॉ ओनली लिपस्टिक इज लेफ्ट एंड आई एम टोटली लविंग माय मेकअप नाउ फॉर लिपस्टिक आई एम गोना टेक दिस हुडा ब्यूटी लिपस्टिक दिस इज इन द शेड इंटरव्यू इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कूल टोन ब्राउन कलर ऐसे क्या कर मेहंदी आ रही है दिखेगा इन शेड सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक इसकी हेल्प से ना आउटलाइन मैं, मैं पूरी फिल नहीं करने वाली हूँ जस्ट आउटलाइन करूंगी एंड उसके ऊपर बॉम्ब इट्स अ वेरी वेरी फ्रिटी ग्लॉसी एंड इसके अंदर ना शिमरी पार्टिकल्स भी है सो इट लुक्स वेरी गॉर्जियस